हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट द सेंट्रल zone of this mature Harappan culture lay in Sindh and Punjab, principally in the Indus Valley. Here in this topic we will talk about one of the most prominent site of Harappan culture, that's Mohenjo-daro, which literally means mound of the dead. It is the first urban site of human history, located in Larkana district of Sindh on the banks of river Indus. It's the largest site of Harappan civilizations. Excavations begin at this site in 1922 with R.D. Banerjee and Sir John Marshall, seen in the picture, taking up the work. Later on, it was Mackay and George Dehl who conducted the excavation. Mohenjo-daro was built around 2500 BC, that is when pyramids of Egypt was built. It means both these sites are contemporary to each other. Mohenjo-daro जो है इसका जो सरफेस एरिया है that's nearly 500 acres, which was much higher than the cities in the world at that time. इस केस ग्रेट स्केल के बदौलत आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि मोहनजोदारो जो है it served as a seat of power for the Indus civilization. Mohenjo-daro was divided into two parts. एक पार्ट जिसे हम स्टेडल कहते हैं और दूसरा पार्ट जिसे हम लाओ टाउन कहते हैं. स्टेडल वॉज ऑन द वेस्टर्न साइड, लाओ टाउन इट वॉज ऑन द ईस्टर्न साइड. स्टेडल एक मोड़ पे था और वहां पे लार्ज स्ट्रक्चर्स जैसा आप देख सकते हैं इमेज फर्स्ट में, विच फंक्शनड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स. स्टेडल पे एलिट्स रहा करते थे और लाओ टाउन जो है इट कंसिस्ट ऑफ हाउसिंग फॉर पीपल, दैट्स फॉर द ऑर्डिनरी पीपल. वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स डिस्कवर्ड सो फॉर एट मोहनजोदारो इज द ग्रेट पाथ कंप्राइजिंग ऑफ ए टैंक विच इज ऑलमोस्ट 900 स्क्वायर फीट, मेड ऑफ ब्यूटिफुल ब्रिक वर्क. इसकी जो मेजरमेंट है length from north to south 11.88 meter, width जो है वो 7.1 meter, इसकी depth जो है वो 2.43 meter की है. North and south ends पे brick steps थे, almost 7 से 9 brick steps थे. In addition there are side rooms for changing clothes. जो floor है इसका वो वाटर टाइट है ड्यू टू द फाइनली फिटेड ब्रिक्स, और टू मेक द टैंक एवर मोर वाइट टाइट ए थिक लेयर ऑफ बिटुमेन, दैट्स वाटर प्रूफ टार, वॉज लेड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द पूल. इतना ही नहीं, ए होल वॉज ऑल्सो फाउंड एट वन एंड ऑफ द बाथ विच माइट हैव बीन यूज्ड टू ड्रेन द वाटर into it. ये आप देख रहे हैं रोमन बाथ्स जो कि बहुत मशहूर है. आपको बताता जाऊं ये many hundred years later कंस्ट्रक्ट हुए सेम पैटर्न पे जिस तरह से ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो है. ग्रेट बाथ के वेस्ट साइड में एक लार्ज ग्रीनरी थी जो आप पिक्चर 1 में आप देख सकते हैं, रफली स्केच है. इसकी लेंथ जो है 150 फीट लॉन्ग है, विड्थ जो है 75 फीट वाइड है, यानी है जो सेकंड आप पिक्चर में आप आराम से देख सकते हैं. दिस वॉज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कॉर्न. अब हम बात करेंगे लावर टाउन की, जहां पे कॉमन पीपल रहा करते थे. एक मजेदार बात यह है कि जो अरेंजमेंट ऑफ हाउसेज है वहां पे ग्रिड सिस्टम फॉलो किया जाता था. यानी वो क्या है कि इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रीट प्लान इन विच स्ट्रीट्स रन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर. यानी जो रास्ते थे वो काटते थे 90 डिग्री पे, और ये डिवाइड करता था सिटी को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में. और जो स्ट्रीट्स थी ये ब्रॉड थे ऑलमोस्ट फ्रॉम 9 फीट टू 30 फीट तक. ये डिफरेंस थी मोहनजोदारो और रोमन सिविलाइजेशन में. इस लावर टाउन में स्मॉल हाउसेस थे जिनमें 2 रूम्स हुआ करते थे, लार्ज हाउसेस थे जिनमें अप टू 30 रूम्स हुआ करते थे. कोर्टयार्ड अटैच हुआ करता था बड़ी बिल्डिंग्स के साथ. ऑलमोस्ट हर मकान के साथ एक बाथरूम, कुआं और ड्रेन्स हुआ करती थी, और हर ड्रेन कनेक्ट हुआ करती थी स्ट्रीट ड्रेन के साथ. क्रिप्ट जो है वो नोट्स किया गया था 1853 में. उसके बाद डिस्कवर हुआ फुल कंप्लीट स्क्रिप्ट 1923 में. बट बदकिस्मती की बात है, इट इज येट टू बी डिसिफर्ड. अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है. जिस दिन इसे पढ़ा जाएगा बहुत सारे राज मोहनजोदारो और इंडस वैली के लोगों के सामने आएंगे. नाउ वी विल सी सम इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स. द फर्स्ट वन इज दैट ऑफ अ ब्रोंज dancing girl, 10.8 centimeter in height, found in 1926. Her neck is covered with necklace, arms with bangles, hair dressed, standing in a provocative posture. This work is quite unlike anything of any other ancient civilizations. It has been suggested that this dancing girl is a representative of a class of temple dancers, but this has not been proved. You can see the ornaments. In the other picture you can see seals which are square in shape. Thank you.